हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीखेंगे देयर का एडवांस यूज। देयर का अलग अलग यूज होता है जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश को काफ़ी हद तक बेहतर कर देता है। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल हम लोग सीखेंगे एडवांस यूज ऑफ देयर, कि देयर का यूज हम लोग किस तरीके से एडवांस तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला हमारे पास एक सेंटेंस आता है, देयर सिम्स टू बी। देयर सिम्स टू बी का यूज होता है लगता है के अर्थों में। अब लगता है के अर्थों में किस तरीके सेंटेंस हमारे पास बनता है? सेंटेंस हमारे पास आता है, देयर सिम्स टू बी एन अर्थक्वेक राइट नाउ। देयर सिम्स टू बी एन अर्थक्वेक राइट नाउ, लगता है भूकंप अभी आ रहा है। इस तरीके से आप देयर सिम्स टू बी का यूज करेंगे कि लगता है के अर्थों में इसका निकल करके आएगा सेंटेंस में मतलब। अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, देयर सिम्स टू बी नो डाउट इन इट। There seems to be no doubt in it. इसमें कोई संदेह नहीं लगता है। बार बार आप देख रहे होंगे लगता है सेंटेंस में आ रहा है, तो आप ऐसे में सेंटेंस को काफी बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास आता है, There seems to be a blunder here. ब्लंडर का मतलब होता है गलती। यहाँ बहुत बड़ी गलती लगती है। इस तरीके से आप सेंटेंस में देख सकते हैं कि देयर सिम्स टू बी का किस तरीके से यूज हो रहा है। नेक्स्ट में हमारे पास है, There seems to be लगता है किस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। जैसे There seems to be no one in that house, यहाँ पे आप ए को हटा देंगे, जो यहाँ पे ए है इसको आप हटा देंगे। There seems to be no one in that house, सेंटेंस हमारे पास बनता है, There seems to be no one in that house, लगता है उस घर में कोई आदमी नहीं है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, There seems to be no good leader in this city. लगता है इस शहर में कोई अच्छा नेता नहीं है। लगता है इस शहर में कोई अच्छा नेता नहीं है, उसका ट्रांसलेशन आप बनाएंगे, There seems to be no good leader in this city. अब हमारे पास अगला आता है, There need to be. There need to be का इस्तेमाल हम लोग अपने सेंटेंस में कैसे करते हैं उसको देखते हैं। उसका अर्थ निकल करके आएगा, होने की जरूरत है। होने की जरूरत है उसमें सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कैसे यूज होगा। देयर नीड्स टू बी अ गुड टीचर इन दिस स्कूल, इस स्कूल में एक अच्छे अध्यापक की जरूरत है। तो आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, देयर नीड्स टू बी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। अगर सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म में है तो आप नीड्स लगाएंगे, अगर प्लूरल फॉर्म में है तो नीड लगाएंगे। अगला आता है, देयर नीड्स टू बी अ चेंज इन द डेली रूटीन, यानी रोजमर्रा के जीवन में परिवर्तन की जरूरत है। ऐसे में आप देयर नीड्स टू बी का यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है, देयर नीड्स टू बी होने की जरूरत है, यहाँ पे किस तरीके सेंटेंस होगा। देयर नीड्स टू बी नो बॉयज इन गर्ल्स रूम, लड़कियों के कमरे में किसी भी लड़के की होने की जरूरत नहीं है। या इसका एक और अर्थ निकल करके आता है, लड़कियों के कमरे में कोई भी लड़का नहीं होना चाहिए। ऐसे में भी आप देयर नीड टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सेंटेंस हमारे पास आता है, देयर डज नॉट नीड टू समोन हियर, यहाँ पर किसी के रहने की जरूरत नहीं है, या यहाँ पे कोई नहीं रहना चाहिए, किसी का भी होना यहाँ पे जरूरी नहीं है। ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। अगला सेंटेंस हमारे पास आता है, देयर नीड नॉट बी नॉइज इन द क्लास रूम, कक्षा में शोरगुल की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कक्षा में कोई शोरगुल नहीं होने चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं होने चाहिए। अगला सेंटेंस हमारे पास आता है, देयर यूज टू बी का। अब देयर यूज टू बी का इस्तेमाल कैसे हम करते हैं आप देखेंगे, हुआ करता था। हुआ करता था के अर्थों में आप यहाँ पे करेंगे, सेंटेंस बन करके आता है, देयर यूज टू बी मेनी कार्स एट माई होम, मेरे घर पर कई सारे कारें हुआ करती थी। हुआ करती थी, हुआ करते थे, हुआ करता था के अर्थों में यहाँ पे सेंटेंस में मीन निकल करके आता है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, देयर यूज टू बी लव अमॉन्ग नेबर्स, पड़ोसियों के बीच प्रेम हुआ करता था। पड़ोसियों के बीच प्रेम हुआ करता था, ऐसे सेंटेंस में भी हम लोग देयर यूज टू बी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद सेंटेंस आता है, देयर यूज टू बी एनिमिटी अमॉन्ग फ्रेंड्स, दोस्तों के बीच दुश्मनी नहीं हुआ करता था। तो आप यहाँ पे नहीं हुआ करता था, इसके लिए देयर यूज नॉट आप यहाँ पे कर देंगे, नॉट कर देंगे, नॉट टू बी एनिमिटी अमॉन्ग फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंस आप बनाएंगे। अगला सेंटेंस हमारे पास आता है, देयर यूज नॉट टू बी क्वेरल अमॉन्ग सिबलिंग्स, भाई बहनों के बीच झगड़ा नहीं हुआ करता था। ऐसे सेंटेंस आप बना देंगे, यूज
नॉट टू आप सेंटेंस बनाएंगे। अगला सेंटेंस हमारे पास इंटरोगेटिव फॉर्म में है, यूज देयर टू बी हैप्पीनेस इन द फैमिली। क्या परिवार में खुशियां हुआ करती थी? आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन आप यूज्ड का यूज पहले आप करेंगे इंटरोगेटिव के फॉर्म में। अगला सेंटेंस हमारे पास आता है देयर मेनी हैव बीन, इसका क्या मतलब होता है? रहा होगा के केस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आता है यहाँ पे देयर मे हैव बीन, ऐसे सेंटेंस बनाएंगे देयर मे हैव बीन सम स्टूडेंट्स देयर, देयर मे हैव बीन सम स्टूडेंट्स देयर, वहाँ कुछ विद्यार्थी रहे होंगे, ऐसे सेंटेंस आप बनाएंगे। इसके बाद अगला सेंटेंस हमारे पास आता है देयर मे हैव बीन घोस्ट बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे भूत रहा होगा, पेड़ के पीछे भूत रहा होगा, ऐसे सेंटेंस आप बनाएंगे इसको इंग्लिश में। अगला सेंटेंस है देयर मे नॉट हैव बीन माई मिस्टेक, देयर मे नॉट हैव बीन माई मिस्टेक, मेरी गलती नहीं रही होगी, ऐसे सेंटेंस आप इसको बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है मे देयर हैव बीन एनी मिसक्रिएंट देयर, मिसक्रिएंट का मतलब होता है बदमाश, क्या वहां कोई बदमाश रहा होगा, ऐसे सेंटेंस आप इसको भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है देयर हैज टू बी, देयर हैज टू बी का यूज होता है जरूरत है। सेंटेंस है देयर हैज टू बी अ गुड हॉस्पिटल इन माई विलेज, मेरे गाँव में एक अच्छे अस्पताल की जरूरत है, मेरे गांव में एक अच्छे अस्पताल की जरूरत है, इसको लेकर के आप ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। इसके बाद सेंटेंस हमारे पास आता है देयर हैव नॉट टू बी बैड लीडर्स इन माई कंट्री, मेरे देश में बेकार नेता की कोई जरूरत नहीं है या की जरूरत नहीं है, ऐसे दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। देयर हैव टू बी फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच मित्रता की जरूरत है, ऐसे में आप देयर हैज टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं काफी आसानी से। इसके बाद आता है देयर हैज नॉट टू बी हेट्रेड अमॉन्ग पीपल, लोगों के बीच नफरत की कोई जरूरत नहीं है, यानी लोगों के बीच नफरत नहीं होनी चाहिए, ऐसे सेंटेंस आप बोल सकते हैं। जिन सारे सेंटेंसेस को भी आप सीख रहे हैं उनका आप अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करना जारी रखें, ताकि ये आपके सेंटेंस हमेशा आपके साथ बने रहें, इस तरीके का यूज करना आप सीखें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हैज देयर टू बी गुड स्कूल इन योर विलेज, क्या आपके गांव में एक अच्छे स्कूल की जरूरत है, ऐसे सेंटेंस आप इंटरोगेटिव फॉर्म में भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है देयर इज गोइंग टू बी, देयर इज गोइंग टू बी का इस्तेमाल कैसे होता है उसको देखते हैं। होने जा रहा है के अर्थ में इसका मतलब निकल करके आता है। सेंटेंस हमारे पास बनता है देयर इज गोइंग टू बी एन एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने परीक्षा होने जा रही है, ऐसे में आप सेंटेंस बनाएंगे देयर इज गोइंग टू बी एन एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ। इन नेक्स्ट मंथ आप नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, अगले महीने परीक्षा होने जा रहा है। इसके बाद हम लोग सेंटेंस बनाएंगे देयर इज गोइंग टू बी एन असेंबली इलेक्शन नेक्स्ट ईयर, अगले साल असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है, यानी असेंबली चुनाव होने जा रहा है। There is going to be no development in this state. राज्य में कोई भी विकास नहीं होने जा रहा, ऐसे सेंटेंस आप इसको बोल सकते हैं। There is going to be के अर्थों में यहाँ पे सेंटेंस बनेगा। There is going to be nothing in the meeting. मीटिंग में कुछ भी नहीं होने जा रहा है, ऐसे सेंटेंस हमारे पास बन रहे हैं There is going to be का इस्तेमाल करके। अगला सेंटेंस है Is there going to be any program tomorrow? क्या कल कोई कार्यक्रम होने जा रहा है? इंटरोगेटिव फॉर्म में ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इच के जगह पे जरूरत पड़ेगा तो आर या एम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन वैरी करता है, डिपेंड करता है कि किस तरीके का सेंटेंस आप यूज कर रहे हैं। खास तरीके से अगर होने जा रहा है कि केस में होगा तो इज गोइंग टू बी देयर के साथ यूज होगा। देयर हैज बीन प्लस नाउन का यूज करके कैसे हम यूज करते हैं? रहा है कैसे होगा? देयर हैज बीन फॉगी डेज फॉर सम डेज, कुछ दिनों से कोहरा का दिन रहा है, ऐसे आप सेंटेंस देखेंगे। तो देयर हैज बीन का इस्तेमाल किस तरीके से होगा? नाउन के केस में, क्योंकि फॉगी डेज यहाँ पे नाउन का रोल प्ले कर रहा है। अगला देखेंगे देयर हैज बीन नो नॉइज इन द क्लासरूम, कुछ दिनों से कक्षा में शोर नहीं हो रहा है। इसके बाद अगला सेंटेंस हमारे पास है देयर हैज बीन नो रेन फॉर सम डेज, कुछ दिनों से वर्षा नहीं हो रही है, ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। देयर हैज बीन नो रेन फॉर सम डेज, कुछ दिनों से वर्षा नहीं हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है देयर हैज नॉट बीन एनी अनटॉर्ड इंसिडेंट, यानी कि अनटॉर्ड का मतलब होता है अप्री,
इंसिडेंट का मतलब घटना, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, ऐसे सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, हैज देयर बीन कोल्ड वेव फॉर 3 डेज, क्या 5 दिनों से कपकपी वाली ठंड रही है। तो ये सेंटेंस आप काफी शानदार तरीके से यूज कर सकते हैं और इसका अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल भी करिए, जिससे कि आपका स्पोकन काफी बेहतर हो। अभी तक के वीडियो में बने रहने के लिए हमारे साथ धन्यवाद। टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।